हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ amazon.in से परचेज़ किया हुआ मेरा एक पार्टी वेयर कुर्ता, जो मैंने इंडिपेंडेंस डे सेल के टाइम पर परचेज़ किया था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कम रेट पर मिल गया था। कैसा है ये कुर्ता, इसकी पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे, खरीदना वर्थ है या नहीं, मुझे पसंद आया या नहीं, सब कुछ बताऊँगी मैं। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, इसको शेयर ज़रूर करिए। पहली बार अगर आप देख रहे हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जल्दी ही मेरे चैनल पर आने वाला है एक गिव अवे, तो प्लीज़ आप रेफ़र करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी इस यूट्यूब चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने किसको रेफ़र किया है और आपके रेफरेंस से कितने सब्सक्राइबर्स मेरे पास आए हैं। आपको प्रायोरिटी मिलेगी मेरे अपकमिंग गिव अवे में। तो बात कर लेते हैं आज के इस कुर्ते के बारे में। ये कुछ इस तरीके से कुर्ता मुझे रिसीव हुआ है पॉली बैग में। इसको ओपन कर लेते हैं। ब्लैक कलर का है, टफेटा सिल्क का है ये कुर्ता। साथ में मुझे रिसीव हुए हैं ये बटन्स, 10 बटन्स हैं इसके अंदर। ये है पूरा कुर्ता, इस तरीके से इसका यू नेक है, राउंड नेक है आगे से भी और पीछे से भी। मैं इसको पूरा ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये है इसका ओवरऑल लुक, ये देख सकते हैं आप। नीचे की तरफ पे जो आपको एक डिज़ाइन दिख रही है, ये पूरी इसमें एम्ब्लिश्ड है, मतलब ये छपाई का काम नहीं है, ये पूरा इसमें ये धागे का काम हो रखा है। ये बैक साइड से पूरा ऐसे आप देख सकते हैं, इसको पूरा एम्ब्रॉयडरी काइंड ऑफ थिंग है गोल्डन कलर से। नीचे पर ये टेपिंग करी गई है, ये पूरा ब्लैक एंड कलर है और इस पर गोल्डन कलर से काम है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बात करें इसके नेक की, तो नेक इसका राउंड नेक है आगे से भी और पीछे से भी। यहाँ पर इसकी पूरी प्लेट्स डाली गई हैं, तो ये आपके बस्ट साइज पर से ये पूरी प्लेट्स आ जाएंगी, तो ये पूरा एक घेरे के जैसा अच्छा दिखता है। स्लीव्स की बात करें तो 3/4 स्लीव्स है और स्लीव्स पर भी बिल्कुल वैसी ही टेपिंग करी गई है जैसे कि हमें बॉटम पर रिसीव हुई थी। जो टेपिंग बॉटम पर की गई है सेम वही टेपिंग यहाँ पर भी है, सेम वही मटेरियल है। अब एक चीज़ जो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये है फ्री साइज़ का कुर्ता, तो आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। तो जो फ्री साइज़ का है इसमें मुझे मेरे हिसाब से इसकी फ़िटिंग करानी पड़ेगी, ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा लूज़ जा रहा है मुझे, तो मुझे इसके लिए फ़िटिंग करानी पड़ेगी। बट ओवरऑल लुक इसका कुछ ऐसा सा आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब मुझे ये कैसा लगा फर्स्ट इंप्रेशन की बात अगर करें, तो मुझे ये उतना ज़्यादा अपीलिंग, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बिकॉज स्क्रीन पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अपीलिंग सा दिख रहा था। एंड जो मुझे रिसीव हुआ तो ये उतना ज़्यादा पसंद मुझे नहीं आया पर्सनली, पता नहीं, मे बी ये मेरी अपनी चॉइस है। ये सिल्क मटेरियल है, यहाँ पर जो है स्क्रीन पर जब दिखाया गया था तो यहाँ पे बटन्स लगे हुए थे, जो मॉडल ने पहना हुआ था सब बटन्स लगे हुए थे, मुझे बटन्स ही अलग से रिसीव हुए हैं, यहाँ पे लगे हुए नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये लगा कर ही देना चाहिए था, ये अलग से बटन्स देने का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, बट जो भी है ये पूरे 10 बटन्स हैं, ये पूरे यहाँ पे सीक्वेंस से लाइन से पूरे लगे हुए थे उस पे मॉडल पे। मैं उसकी पिक, मैं लिंक दे दूँगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। एंड ये आगे से और पीछे से दोनों साइड से पूरा ही इसी तरीके से प्लेन है। बात करें बॉर्डर की, तो बॉर्डर जिस तरीके से आगे है बिल्कुल इसी तरीके से बॉर्डर पीछे पर भी है। घेरा भी इसमें इतना ज़्यादा घेरा नहीं है, ओके काइंड ऑफ घेरा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ये अपीलिंग, उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया मुझे, जितना कि मुझे उधर पिक में मॉडल के ऊपर देखने में लग रहा था, उतना ज़्यादा मुझे ये खूबसूरत, उतना ज़्यादा अच्छा अपीलिंग नहीं लग रहा है। बट हाँ, क्योंकि ये मुझे बहुत कम कॉस्ट पर मिल गया था, रिजनेबल लग रहा था, तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया था। वन मोर थिंग, इस वाले कुर्ते में स्पेसिफिकली सेल के टाइम पर COD मौजूद नहीं थी, उसको प्रीपेड ही करना था, तो मैंने इसको प्रीपेड ऑर्डर किया था। ये मुझे COD रिसीव नहीं, उसमें ऑप्शन ही नहीं था COD का। अभी है या नहीं है मुझे नहीं पता है, मैं लिंक दे दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको परचेज़ करने में तो आप देख सकते हैं। एंड या बस इतना ही था जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। तो इसके प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करें तो ये काफ़ी सस्ते में मुझे मिल गया था, इसकी MRP मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ मुझे ये रिसीव हुआ है 399 रुपीज़ में, 399 रुपीज़, मतलब 400 में भी मुझे ये टफेटा सिल्क का जो है पूरा कुर्ता मिल गया है। एंड ये एंकल लेंथ है, इसकी लेंथ की लंबाई की बात करें अगर, एंकल लेंथ कुर्ता है, तो ओवरऑल ठीक है 400 रुपीज़ के हिसाब से, ओके चीज़ है।
पहनने में बिल्कुल आएगा, यूज़ में भी आएगा, बट जो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं समझ में आई इनकी, कि पहला तो इसमें टैग नहीं लगा हुआ है जो कि नए कपड़े में हमेशा होना चाहिए है, एक प्राइस टैग या इनके ब्रांड का टैग कुछ भी नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, ये बटन्स मुझे अलग से रिसीव हुए हैं, बटन्स भी इसमें लगे हुए नहीं हैं। ये फ्री साइज़ का है तो ऑब्वियसली जो भी परचेज़ करेगा आपको अपने हिसाब से ही इसकी फिटिंग करानी पड़ेगी। सो दिस वॉज माई टूडेज रिव्यू अबाउट दिस कुर्ता, एंड लुक वाइज ओके है, ये देखने में अच्छा लग रहा है, घेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके है, ठीक है, आप इसको पहन सकते हो, छोटे मोटे फंक्शन में कहीं पे भी इसको वेयर करके जा सकते हैं आराम से। तो आज का वीडियो मेरा यही था, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपके साथ में बहुत सारी नई नई चीज़ें शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू ब्यूटी फैशन। बने रहिए मेरे चैनल पर, टिल देन गुड बाय।